नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आए बालचंद गौंड निवासी बगही डार तहसील सगड़ी ने बताया कि हमारी पैतृक भूमि बैनामा बाद विवाद होने पर न्यायालय दीवानी व नायब तहसीलदार सगड़ी के यहाँ विचाराधीन है। इसके बावजूद दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित के मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। भयभीत होकर पीड़ित आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और कहा कि मामले की जांच के आधार पर विपक्षी दल के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए निर्माण को रोके जाने की मांग की। क्या नाम है आपका? बालचंद गौंड। कहाँ घर पड़ेगा आपका? बगही, ग्राम बगही डाल पोस्ट बनकर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़। थाना कौन सा है? मुबारकपुर। क्या मामला है, क्या जब यहाँ पर आए हुए? हमारे पिताजी जो है बुजुर्ग हो गए हैं, करीब 80-90 साल के हैं। कुछ लोग उनकी जमीन जो है, हमारे पूर्वज की पुश्तैनी जमीन जो है, बहला के पुतला के, जो कि बूढ़े हैं, दिमागी संतुलन उनका ठीक भी नहीं है। और उनका नाम है दयापाल शिवचंद गौंड और रेणु अग्रवाल हैं। रेणु अग्रवाल आजमगढ़ की रहने वाली हैं, अनंतपुरा की, और दयापाल जो है गढ़वल के रहने वाले हैं, बनकट पोस्ट बनकट के, और शिवचंद गौंड तो बगही डांड के। आपने उच्च अधिकारियों से की थी? हाँ, जिला अधिकारी के यहाँ दिए हैं जी, थाने में दिए हैं, तहसील में दिए हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में दिए हैं। तो कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं? अभी कार्रवाई क्या, कोरोना में कोई कार्रवाई का पता नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री तक को दिए हैं, एसटी आयोग, हमारा जमीन हमको वापस दिया जाए, रजिस्ट्री कैंसिल की जाए, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति की जमीन है। ये बिना परमिशन के और बिना इसके एवज में जमीन दिए, इसका जो है रजिस्ट्री नहीं हो सकता। तो